हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू वी प्लान। हम सभी जानते हैं हमें किसी को भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, किसी को भी सीवीवी नहीं बताना है, अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है लास्ट ईयर 2022 में 95,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ यूपीआई फ्रॉड हुआ। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि वो सारे लोग पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था ओटीपी शेयर नहीं करना, उनको पता था सीवीवी शेयर नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो क्या यूपीआई हैक कर लिया गया, या यूपीआई ट्रांजेक्शन सेफ नहीं है? यूपीआई ट्रांजेक्शन भी सेफ है, और ना ही किसी ने यूपीआई को हैक किया था, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। आज की एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो। मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली जो कि आपको ध्यान रखने हैं। मैं आज आपको एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड ने प्रोडक्ट को ओएलएक्स पे शेयर किया, और उसके पास बहुत सारे बायर्स के फोन आए, कॉन्टेक्ट हुआ, मैसेजेस के थ्रू बात हुई कि चलिए इतने में डील करते हैं। एक से डील डन हुई, और उसके अकॉर्डिंग उसको पता चल गया कि उसका प्रोडक्ट सही रेट में जा रहा है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी, चलो सही रेट में जा रहा है। सामने वाले बंदे ने बोला, ठीक है, मैं आपसे कल आकर प्रोडक्ट ले जाऊंगा, आप मुझे अपना एड्रेस शेयर कर दीजिए। उन्होंने अपना एड्रेस शेयर किया, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ठीक है, ये तो बंदा घर आकर लेकर जाएगा, इसमें क्या, मेरा प्रोडक्ट तो मेरे पास है। सामने वाले बंदे ने बोला, मैं आपको अभी पेमेंट कर देता हूं, आपके पास पैसा आ जाएगा तो मेरा कोई भी बंदा आपसे आकर ले जाएगा, हो सकता है मुझे कल टाइम ना हो। मेरी फ्रेंड ने कहा, ठीक है, कर दीजिएगा आप मेरे नंबर पे। बंदे ने कहा कि आपको पैसा मिला? तो मेरी फ्रेंड बोली, नहीं, मेरे पास तो आया नहीं है। सामने वाले बंदे ने कहा, आपके पास पेटीएम नहीं होगा? तो मेरी फ्रेंड बोली, नहीं, मेरे पास तो पेटीएम नहीं है। बंदे ने कहा, अच्छा, आपके पास एक क्यूआर कोड आया होगा ना, आप उसको स्कैन कर लीजिए। जनरली हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो मेरी फ्रेंड ने स्कैन कर लिया। बंदे ने कहा, आप स्कैन करके अपना पिन डाल दीजिए, क्योंकि आपके पास पेटीएम नहीं है, आपके गूगल पे में आपका पैसा आ जाएगा। तो मेरी फ्रेंड ने अपना पिन डाला, और 5,000 उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। वो शॉक्ड, ये 5,000 कैसे डिडक्ट हो गया? सामने वाले बंदे ने कहा कि देखिए, ये 5,000 डिडक्ट नहीं हुआ, मैंने आपको भेजा है। मेरी फ्रेंड ने कहा, 5,000 क्यों भेजा, 4,800 ही तो था। बंदे ने कहा कि एक्चुअली मैंने ना एक लमसम अमाउंट भेजा है। तो मेरी फ्रेंड बोली, नहीं, ये तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ है। सामने से वो बंदा बोला, मैं आपको भेजता हूँ। और उस बंदे ने फिर उसको पैसा भेजा, बोले, देखिए, आपके पास प्रोसेसिंग शो हो रहा है। बोली, हाँ, देखिए, अब आपके 5,000 तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो कल मैं पेटीएम को कॉल करके मैं अपने पैसे ले लूंगा, क्योंकि मेरा भी पैसा कटा है। वो सामने वाला बंदा इस तरीके से कहने लगा कि मेरा खुद का पैसा कटा है, मैडम, आप बिलीव कीजिए, मैंने आपको भेजा है। उसको भी लगा हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन में इशू आओ, उसने कहा, हाँ, प्रोसेसिंग हो रही है। बोले, हाँ, आप यस कर दीजिए। उसने जैसे ही यस किया, उसके अकाउंट से फिर से 5,000 निकल गए। जैसे ही 5,000 निकले, उसने कहा, आप कर क्या रहे, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए ले चुके हैं। बोले, नहीं नहीं मैडम, 10,000 नहीं लिए हैं, मेरे अकाउंट से निकले हैं, आप प्रोसेसिंग हो रही है, आप उस पे यस ही नहीं कर रहे। उसके माइंड में क्लिक हुआ, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, अदरवाइज हो सकता है वो उससे भी ज्यादा देते। बोले, देखिए, ऐसा है, आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए आप कल ले जाइए, मेरा पैसा वापस करिए। जब उसने ये बोला, मेरा पैसा वापस करिए, उसके दिमाग में क्लिक हुआ, यार, इसको तो पता चल गया, उसने तुरंत फोन कट कर दिया। अब उस कंडीशन पे आपको पता है वो पैसा उसको अभी तक नहीं मिला, उसने कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट किया, बैंक को कॉन्टेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ। अब उसने जब ओएलएक्स पे कंप्लेंट की, तो ओएलएक्स ने भी उस सामने वाले बंदे को ब्लॉक कर दिया। मेरी फ्रेंड ने ना ही किसी को सीवीवी नंबर बताया, ना ही अकाउंट नंबर बताया, ना ही किसी को उसने अपना ओटीपी शेयर किया, फिर भी उसके अकाउंट से 10,000 रुपए निकल गए। अब सोचिए, ऐसे उस बंदे ने कितने लोगों को ठगा होगा। आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पिन मत डालिए, क्योंकि कभी भी पेमेंट लेते टाइम पिन नहीं डाला जाता। अगर आपके पास अनजान लिंक आया, आपके वर्क फ्रॉम होम है, इतना पैसा मिलेगा, तो अगर आप किसी भी इस तरीके के लिंक पर क्लिक करेंगे, तो उस कंडीशन पे भी आपके बैंक से पैसे कट सकते हैं, बिना ओटीपी, बिना सीवीवी बताए। तो कभी भी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करिए, क्योंकि वो अनजान लिंक किसी स्कैमर का हो सकता है। कभी भी आप पेमेंट करते टाइम कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम मॉल में हैं या हम कहीं और हैं, यहाँ पर हमने पब्लिक वाईफाई लिया हुआ है, वो पब्लिक वाईफाई स्कैमर का हो सकता है, वो आपका डेटा चोरी कर सकता है, और डेटा चोरी करने के बाद आपके पैसे भी निकाल सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी पब्लिक वाईफाई को यूज नहीं करना है पैसे ट्रांसफर करते टाइम। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो आप डेफिनेटली आप इन स्कैम से बच पाएंगे। तो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी सतर्क हो जाएं कि इस तरीके का भी फ्रॉड आजकल चल रहा है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।